हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बहुत अच्छे होंगे सब लोग। मैं आपकी रेनू मैम, संस्कृत मैम, ब्रेन रूट सीरीज बाय अमित पब्लिशिंग हाउस, देववाणी संस्कृत पाठमाला भाग 4, षष्ठ पाठ है पाठ 6, कुछ नीति श्लोक यानी कि कुछ मॉरल वर्सेस आपको समझाने जा रही हूँ। आप ध्यान से समझना क्या कहा गया है। इसमें कुछ नीति श्लोक है जिनके बारे में जानते हैं। ये नीति श्लोक दिए हुए हैं। पहला क्या है? अलसस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्य महान रिपुः नास्ति मध्यम समो बंधु कुर्वाणो नावसीदति। क्या कहा गया इसमें? मनुष्य के शरीर में रहने वाला आलस्य ही, आलस उसका सबसे बुरा शत्रु है, सबसे बड़ा शत्रु है। जब मनुष्य के शरीर में आलस रहता है तो वो उसका सबसे बड़ा शत्रु है। परिश्रम जैसा कोई दूसरा अन्य मित्र नहीं होता, क्योंकि जब मेहनत होती है वही हमारे काम आती है, और क्योंकि परिश्रम करने वाला कभी भी व्यक्ति दुखी नहीं होता, और आलसी हमेशा परेशान रहता है, इसलिए आलस हमारे शरीर का सबसे बड़ा शत्रु है। दूसरा है बच्चों नीति श्लोक, गौरवम प्राप्यते दानान तु वित्तस्य संचयात स्थिति रुच्चई पयोदानाम पयोधीनाम अध स्थिति। क्या कहा गया है इस श्लोक में? कि वित्त यानी कि धन को इकट्ठा करने से नहीं, बल्कि धन को दान देने से क्या होता है? गौरव प्राप्त होता है, यश मिलता है। दान देने से, इकट्ठा करने से नहीं मिलता। और जल देने वाले बादलों का स्थान जल का इकट्ठा करने से नहीं है, बल्कि वो जल का इकट्ठा करने वाले सागर से ऊंचा है। जो बादल जो इकट्ठा करते हैं जल और फिर लोगों को संतुष्ट करते हैं बरसकर, जबकि सागर क्या करता है? जल इकट्ठा करता रहता है। तो सागर से ऊंचा किसका स्थान है? जो जल बरसा रहा है, यानी कि वो बादल जो कि जल बरसा रहा है उसका स्थान ज्यादा ऊंचा है बनस्पत उसके, कि जो सागर जल इकट्ठा कर रहा है उससे ज्यादा ऊंचा स्थान जल बरसाने वाले बादल का है। थर्ड हमारा श्लोक है, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणे किम करिष्यति। क्या अर्थ कहा है इसका? कि जिस मनुष्य में स्वयं का विवेक, जिसके पास स्वयं का विवेक, चेतना और बोध नहीं है, उसके लिए शास्त्र क्या कर सकते हैं? जिसके पास न बुद्धि है, न विवेक है और न चेतना है, न वो समझ पा रहा है, उसके पास शास्त्र भी अगर है तो वो क्या कर सकता है? क्योंकि आंखों से हीन व्यक्ति यानी कि अंधे मनुष्य के लिए दर्पण क्या कर सकता है? उसके लिए तो दर्पण में क्या देखना क्या ना देखना। उसी प्रकार जो व्यक्ति स्वयं का विवेक, स्वयं की बुद्धि से काम नहीं लेता और उसके अंदर उस अपने चेतना का बोध नहीं है, जिसे यही नहीं पता कि मैं क्या सही करने जा रहा हूँ क्या नहीं करने जा रहा हूँ, वो उस व्यक्ति के ही समान है जो कि अंधा है। उसके सामने आप दर्पण रख दो तो भी उस दर्पण का, उस शीशे का कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि उसके लिए तो शीशा देखना ना देखना दोनों ही समान है। नेक्स्ट हमारा श्लोक है बच्चों, न विश्वसेत कुमित्रे च मित्रे चापि न विश्वसेत कदाचित कुपितम मित्रम सर्वम गुह्यम प्रकाशेत। एक बुरे मित्र पर तो कभी भी विश्वास ना करें, एक बुरे मित्र पर कभी भी विश्वास ना करें, और एक अच्छे मित्र पर भी कभी भी विश्वास ना करें। आप कह रहे हो ये तो दोनों बात कह दी आपने, एक बुरे मित्र पर भी विश्वास ना करें और एक अच्छे मित्र पर भी विश्वास ना करें, क्योंकि यदि ऐसे लोग आपसे नाराज हो जाएंगे ना, जो अच्छा होगा या बुरा होगा, आपसे नाराज हो जाएंगे तो वो आपके सारे भेद, जो बात भी आप उनको बताते हो वो सारे भेद वो खोल देंगे। समझ में आया आपको? अच्छे मित्र पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए और बुरे मित्र पर भी नहीं करना चाहिए। जब ये नाराज हो जाते हैं तो ये सारे भेद खोल डालते हैं। आचार है कुलमाख्याति देशमाख्याति भाषणम संभ्रम स्नेहमाख्याति वपुराख्याति भोजनम। इस श्लोक में क्या कहा गया बच्चों? व्यक्ति का आचरण, आचार मतलब उसका आचरण, उसका स्वभाव क्या बताता है? उसके कुल का, उसके वंश का परिचय देता है, कि उसका आचरण, उसके आचरण से हमें पता लगता है कि किस कुल का है, और उसकी बोली से हमें क्या पता लगता है? उसकी बोली से हमें उसके स्थान का पता लगता है कि ये किस जगह का रहने वाला है, और उसके उसके जो आदर सत्कार की भावना होती है, जो उसके अंदर सेवा भाव की भावना है, वो उसके संयम की स्थिति से यानी कि उसके अंदर
कितना संयम है, कितना अपमान अपनापन है, इसके बारे में पता चलता है। और वपुरा ख्याति भोजनम, और उसके शारीरिक गठन से जो उसकी व्यक्तिगत पर्सनैलिटी होती है, उसका जो शारीरिक बनावट होती है उसकी, उससे उसके भोजन का पता चलता है वो कैसा खाता है, क्योंकि खाने से पता चल जाएगा कि वो किस प्रकार का भोजन खा रहा है। नेक्स्ट हमारा श्लोक है बच्चों, यस्मिन देशे न सम्मानो न वृत्तिर्नम च बांधवा न च विद्या गमो अपयास्तिम न तत्व दिवसम वसेत। क्या कहा है इस श्लोक में, जिस देश में सम्मान न हो, जहाँ आदर नहीं होता हो, और ना ही कोई रोजगार मिले, जहाँ आजीविका मिले, कोई रोजगार ही मिल पाए, और जहाँ कोई अपना बंधु बांधव भी नहीं रहता हो, हमें उस देश में उस स्थान पर नहीं रहना चाहिए, जहाँ पर जहाँ विद्या अध्ययन भी ना हो, जहाँ कोई अपना बंधु बांधव भी ना रह रहा हो, और जहाँ पर की कोई सम्मान भी ना होता हो, हमें ऐसे देश में नहीं रहना चाहिए। तो बच्चों आपको ये नीति श्लोक कैसे लगे, अच्छे लगे होंगे ना, कितनी अच्छी अच्छी बातें नीति श्लोक में बताई जाती है। अब पाठ से संबंधित हम कुछ शब्द और उनके उत्तर के बारे में जानते हैं। आलस्यम माने आलस्य, शरीरस्थ शरीर में रहने वाला, मनुष्याणाम माने मनुष्यों का, रिपु माने शत्रु, उद्यम समय माने परिश्रम के समान, बंधु मित्र, कुर्वाण माने करता हुआ, नावसीदति दुख प्राप्त नहीं होता या करता, गौरवम माने महत्व, दानात दान देने से, वित्तस्य धन का, संचयात इकट्ठा करने से, पयोदानाम बादलों की, पयोधिनाम समुद्र की, प्रज्ञा बुद्धि, शास्त्रम शास्त्र, लोचनाभ्याम नेत्रों से, विहीनस्य रहित, दर्पण शीशा, विश्वसेत विश्वास करना चाहिए, कुपितम माने क्रोध युक्त गुस्सा युक्त, और गुह्यम माने रहस्य, प्रकाशयेत माने प्रकट कर दे, आचार्य आचरण या व्यवहार, कुलम माने परिवार या वंश आपका, आख्याति कहता है, भाषणम माने आपका वार्तालाप आपका बोलना, संभ्रम माने आदर, स्नेहम माने स्नेह करना प्रेम करना, वपु क्या है शरीर, सम्मान आदर, वृत्ति आजीविका, और विद्यागम माने ज्ञान की प्राप्ति, और दिवसम माने एक दिन, और नवसेत माने नहीं रहना चाहिए। तो पाठ में आए हुए बच्चों हमने कुछ शब्द और उनके अर्थों के बारे में जाना। आप ये शब्द और ये अर्थ साथ साथ याद करते चलिए तो आपको पाठ में आसानी रहेगी। अब पाठ में आया हुआ कुछ अभ्यास कार्य है बच्चों जो हम करते हैं। पहला अभ्यास कार्य है, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न क्या है, मनुष्याणाम शरीरस्थ महान रिपु, मनुष्य के शरीर का महान शत्रु कौन है, आलस्य, आलस्य है ना। गौरवम कथम प्राप्यते, गौरव किससे प्राप्त होता है, दाने दान करने से है ना, इकट्ठा करने से नहीं, दान करने से गौरव प्राप्त होता है। कुपितम मित्रम किम कुरियात, क्रोधित मित्र क्या कर देता है, गुह्यम प्रकाशये, आपकी गुप्त बातों को भी वो प्रकट कर देता है, जो आपने उसको बताई हुई अपनी सारी बातें सब खोल देगा वो। आचार है किम आख्याति, आपका व्यवहार क्या बताता है, कुलम आपके कुल को बताता है। वपु किम आख्याति, आपका शरीर क्या बताता है आपका भोजन, आपके खाने के बारे में बताता है, आपका शरीर आपकी शारीरिक बनावट बता देती है आप कैसा खाते हैं। एक्सरसाइज नंबर टू, श्लोकों को पूरा करना है। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्य महान रिपु डैश कुर्वाणो नावसीदति नहीं उद्यम समो बंधु कुर्वाणो नावसीदति यस्मिन देशे न सम्मानो न वृत्तिं च बांधवा न च विद्यागमो अस्ति तत्र न तत्र दिवसम वसेत। नेक्स्ट है बच्चों फिर आचार कुलमाख्याति देशमाख्याति भाषणम संभ्रम स्नेहमाख्याति नपुराख्याति वपुरा व्याख्याति भोजनम।
तो इस प्रकार हमने पाठ में आए हुए बच्चों कुछ श्लोक की पंक्तियों को पूरा किया। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज नंबर 3, विकल्प में से सही विकल्प चुनकर हमें उसका उत्तर लिखना है। मनुष्याणाम चरस्तो महान रिपु निद्रा आलस्य या प्रसन्नता आलस्य। नेक्स्ट है विहीनस्य इत्यस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति। विहीनस्य इस पद में उपसर्ग नहीं है, ये विभक्ति। विहीनस्य इसमें तृतीया पंचमी या षष्ठी, षष्ठी विभक्ति है। आचार इति पदे उपसर्ग अस्ति। आचार इस पद में उपसर्ग है। आ या अच या चार आ उपसर्ग है। एक्सरसाइज नंबर 4, संधि विच्छेद करना है हमें। नास्ति उद्यम समह न प्लस अस्ति प्लस उद्यम समह, ये इसकी संधि विच्छेद है। स्थिति रुच्चई, स्थिति स्थिति ही प्लस उच्चई, तो स्थिति रुच्चई हो जाएगा। वृत्तिनम, वृत्ति प्लस ऋणम। दानान, दान प्लस अन्न, दानान। नास्ति न प्लस अस्ति। अप्यस्ति अपि प्लस अस्ति अप्यस्ति। तो एक्सरसाइज नंबर 4 में हमने संधि विच्छेद किया। एक्सरसाइज नंबर 5 है बच्चों, नीचे लिखे वाक्यों के सामने वो सही है या गलत है ये हमें बतानी है। आलस्यम मनुष्याणाम मित्रमस्ति, मित्र नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वित्तस्य दानात् गौरवं प्राप्यते, धन का दान देने से गौरव की प्राप्ति होती है, सही है। मित्रे कुमित्रे च विश्वसी, मित्रे मित्र पर भी और कुमित्र पर भी विश्वास करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। वपु भोजनम आख्याति, शरीर भोजन को बताता है, बिल्कुल सही है। भोजन हमारे शरीर को देखकर पता लगता है कि कैसा भोजन खाते हैं। यस्मिन देशे सम्मान नास्ति तत्र एव वसेत, जहां सम्मान ना हो वहां रहना चाहिए नहीं, वहां नहीं रहना चाहिए। जहां हमारा सम्मान ना हो, जहां विद्या ना हो, वहां हमें नहीं रहना चाहिए। एक्सरसाइज नंबर 6 है, वस धातु के रूप विधिलिंग लकार में लिखने हैं। वस धातु विधिलिंग लकार में है। वसेत वसेताम वसेयु, वसे वसेतम वसेत, वसेयम वसेव वसेम। हमारा एक्टिविटी कार्य है बच्चों, रचनात्मक कार्य है। पाठ में आए हुए कुछ श्लोकों को भावार्थ सहित अपनी अभ्यास पुस्तिका में अपने टीचर को दिखाना है। कोई भी श्लोक आप ले सकते हैं, कुछ एक या दो या तीन जितना भी आप चाहें, जो भी आपके इसमें दिए गए हैं, एक दो श्लोक आप अपनी अभ्यास पुस्तिका से लेकर और आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे और अपने टीचर को दिखाएंगे, तो उनका अर्थ सहित आपको लिखना है। तो बच्चों आपको ये नीति श्लोक कैसे लगे, समझ में आया कि कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई जाती हैं, उनका हमें पालन करना चाहिए। आप नेक्स्ट पार्ट में बच्चों हम आपसे फिर मिलते हैं। अपना ध्यान रखिएगा। बाय। आभार।